हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इतने समय तक अंग्रेजी सिनेमा पे बात करने के बाद अब बारी है अपने यहाँ की पिक्चरों के बारे में बात करने की। तो अगले कुछ दिनों तक हम हमारे इंडियन सिनेमा की बात करेंगे, जैसे आज KGF की हो गई, उसके बाद धाकड़ और भूलभुलैया 2 आएंगे तो उन पे भी बात कर लेंगे। और देखो, एक दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था KGF के चैप्टर 3 को लेकर और कैसे वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, एंड मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे और भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ना जब भी फैन थ्योरीज की बात आती है तो उसको लेके अपन बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे कि KGF चैप्टर 3 में आखिरकार हमें क्या देखने को मिलेगा और कैसे ये लोग जो सिनेमैटिक यूनिवर्स को प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बिना पनडुब्बी में भागकर सबका चुकंदर काटेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, KGF चैप्टर 2 की स्टोरी अपने आप में कॉम्प्रहेंसिव और कंप्लीट थी और इसका एंड भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। मतलब हमारे रॉकी भाई ने जो चीज करने की ठानी थी वो कर लेते हैं और इसी वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा संतुष्टि देती है अपन सबको। और ऐसे में जब ये न्यूज सुनने को मिली कि इसके चैप्टर 3 पे भी काम चालू होने वाला है तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन उस बात का पूरी तरह से समा बांध देता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि रमिका सेन के पास कुछ अंग्रेज लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे भी रॉकी भाई ने बहुत लंबे चौड़े कांड करे थे। और वो चाय वाले भैया जो है वो जब साफ सफाई करते थे लाइब्रेरी में तो उनको एक बार फिर से जैसे चैप्टर 2 मिला था तो KGF चैप्टर 3 भी मिल जाता है। तो देखो, ये बात तो बहुत हद तक इसी टाइम पे क्लियर हो गई थी कि लोग चैप्टर 2 में ही इस पूरी कहानी को कंक्लूड नहीं करने वाले। ऑल्दो रॉकी की कहानी कंक्लूडेड है, लेकिन चैप्टर 3 के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ रूम को सेटअप कर दिया जाता है। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिरकार KGF का चैप्टर 3 कैसे आ सकता है, तो इसको लेके दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली तो ये कि हो सकता है कि KGF का चैप्टर 3 एक्चुअली में एक प्रीक्वल कहानी हो। इसे प्रीक्वल ना बोलकर मैं पैरेलल कहानी बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि KGF का चैप्टर 3 उन 3 सालों की स्टोरी को बताए जो हमने मूवी में स्किप होते हुए देखे थे, मतलब 79, 80 और 81, एंड इसमें रॉकी भाई ने कैसे अपने एम्पायर को दूसरे देशों में भी ग्रो कराया, जो वो पूरे अंग्रेजों वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए दूसरी वाली फैन थ्योरी मेरी एकदम फेवराइट है, जो ये बताती है कि रॉकी भाई की कहानी KGF चैप्टर 2 में खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि वो पानी में गिरने के बाद मरीच ने। इस फैन थ्योरी के हिसाब से इस मूवी में जब रॉकी भाई की मुलाकात उस अंग्रेज से होती है तो वो एक छोटा सा ईस्टर एग था, क्योंकि वो अपना नाम जिमी कार्टर कह के बुलाता है। अब देखो, जिमी कार्टर वैसे तो अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 39th नंबर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इसके साथ ही साथ यूएसए में जिमी कार्टर नाम की एक सबमरीन भी एग्जिस्ट करती है जो इनके इसी प्रेसिडेंट के नाम पर रखी गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी में जब जिमी कार्टर का मेंशन हुआ तो वो एक सबमरीन को लेकर हिंट थी, जिसका इस्तेमाल करके इस मूवी के एंड में रॉकी भाई बच के भाग निकलेंगे। अब देखो, ये फैन थ्योरी सुनने में बहुत एक्साइटिंग है और जब आप इसको इस वाले ईस्टर एग के साथ मैच कर लेते हो तो और भी ज्यादा धमाका हो जाता है, क्योंकि मतलब अपने दिमाग में एक्सप्लोजन होने लगते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो जिमी कार्टर वाली सबमरीन है ये एक्चुअली रियल लाइफ में 1998 में बनना स्टार्ट हुई थी और इसको 2005 में जाके कमीशन किया, ना कि 1981 या 82 जो इस मूवी की एक्चुअल टाइमलाइन है, और ना ये वैसे भी यूएस नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तो इसमें ऐसी कोई भी बैठ के भाग नहीं सकता, फिर चाहे वो हमारे रॉकी भाई क्यों ना हो, थोड़ी सी अंधी हो जाएगी। और देखो, रॉकी भाई की पनडुब्बी चले ना चले, आई होप आपके घर की गाड़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ गो मैकेनिक के बारे में। गो मैकेनिक इंडिया का लार्जेस्ट कार सर्विस सेंटर नेटवर्क है विद ओवर 1000 वर्कशॉप्स एंड हाईली स्किल्ड मैकेनिक्स, और यहाँ पर आप अपनी कार की पीरियोडिक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, डेंटिंग एंड पेंटिंग, व्हील केयर, कार केयर एंड डिटेलिंग, एसी सर्विसिंग, ये सारी चीजें तो करवा ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके पास है गो मैकेनिक की एक्सटेंडेड वारंटी, जो आपकी कार मैन्युफैक्चरर की वारंटी खत्म होने के बाद भी उसको इंश्योर कर सकते हो, और अगर आपके पास सेकंड हैंड कार है तो उस पर भी वारंटी ले सकते हो, और आपको पूरी कार पे वारंटी लेने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो इंजन, सस्पेंशन या ब्रेक्स जैसे उन पार्ट्स पे ले सकते हो जो डैमेज प्रोन है, और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, मतलब आप सिर्फ अपनी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पे करोगे, वो भी मिनिमम प्राइस पॉसिबल पे। फिर इसके बाद आता है इनका गो मैकेनिक माइल्स, जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा, आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स और बेनिफिट्स देगा, और 30+ चीजों पर डिस्काउंट मिलेगा। फिर इसके अलावा इमरजेंसी सपोर्ट और रोड साइड असिस्टेंस भी। फिर नेक्स्ट एक मंथ या फिर 1000 किलोमीटर
किलोमीटर पे अनकंडीशनल वारंटी है, 100% जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे और आप अपनी कार की सर्विस बुक करवा सकते हो बहुत ही 3 इजी स्टेप्स में। कार चूज करो, सर्विस चूज करो और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करो। और जानते हो सबसे बेस्ट चीज क्या है, इन सारी चीजों पर आप 40% तक सेव कर सकते हो क्योंकि ये लोग मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं और सारी की सारी डील आपके और इनके बीच में होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके गो मैकेनिक डाउनलोड करो, 40% तक सेव करो और अपनी कारों का रॉकी भाई की तरह ध्यान रखो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि रॉकी भाई बच के निकले नहीं होंगे, अब थर्ड पार्ट बनाना है तो दूसरी सबमरीन भी हो सकती है भाई। जरूरी थोड़ी कि जिमी कार्टर की सबमरीन पे ही भाग के निकलना है, कोई दूसरी सबमरीन भी तो हो सकती है। हो सकता है कि कहीं और कॉन्टैक्ट लगाए हो, हेलीकॉप्टर भी तो था, तो सबमरीन होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जिसपे बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है और वो ये है कि केजीएफ का चैप्टर 3 इंटरनेशनल चीजों पे ज्यादा बात करेगा और इसके जो विलन्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब ये चीज मुझे लेकर आती है इस मूवी के दूसरे एस्पेक्ट पे, जो है एक ग्रैंड सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रिएशन। तो आपसे कुछ टाइम पहले जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो लोग भी मार्वल और डीसी की तरह एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने पे फोकस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने खुद ही कहा कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पाइडरमैन वाली मूवी में अपीयर होना एंड मेनी मोर। और इसी के साथ आप सबके सामने एक और फैन थ्योरी प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो आप सब लोग ये बात तो जानते होंगे कि प्रशांत नील की अगली मूवी सलार होने वाली है, जिसमें प्रभास को उन्होंने कास्ट किया हुआ है लीड रोल में। और ऐसा माना जा रहा है, मतलब ऐसी फैन थ्योरीज का कहना है कि इसमें जो प्रभास है वो वही लौंडा होने वाला है जो वो अधीरा के सामने ब्रिज जला देता है, फिर अधीरा से चल के आता है उसकी गर्दन उड़ा देता है। तो उस मूवी में उसका नाम फरमान था और हालांकि संजय दत्त भाई साहब उसके काम डाल देते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर में ना तो उसकी डेड बॉडी को दिखाया गया है ना ही उसके फेस को। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चा सर्वाइव कर गया था और सलार में सलार का रोल, मतलब जो प्रभास है वो यही है। अब देखो, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये भी थोड़ा सा आउटरेजियस लग रहा होगा, लेकिन इस बात की भी एक छोटी सी हिंट हमें मिल जाती है इस मूवी की कास्टिंग को देखते हुए, क्योंकि केजीएफ के चैप्टर 2 में जिस एक्ट्रेस ने फरमान की माँ का रोल प्ले किया था वो इस मूवी मतलब सलार में भी सलार की माँ का रोल प्ले कर रही है। तो मतलब एक कनेक्शन तो एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो ही चुका है। हो सकता है कि एकदम प्योर कॉन्फिडेंस हो, कोइंसिडेंस हो। अब मुझे पता है कि कई सारे लोगों को ये बात एकदम ही आउटरेजियस लग सकती है, लेकिन अगर आप इन लोगों की बातों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एक अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर दूसरी मूवी में क्रॉसओवर कर सकता है। तो ऐसे में एक ही एक्ट्रेस का दो अलग अलग मूवीज में रोल प्ले करना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए प्रशांत नील सलार पे काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग इस साल के एंड तक प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद शायद वो जूनियर NTR के साथ एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है, और शायद उसके बाद वो लोग KGF के चैप्टर 3 पे काम करेंगे जो प्रोबेबली 2024 तक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कुल मिला के KGF के चैप्टर 3 का आना तो कंफर्म है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखने में इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो फैन थ्योरीज मैंने ढूंढी है उसमें से पहली के हिसाब से उसी टाइम की कहानी हो सकती है जब रॉकी भाई ऑलरेडी जिंदा थे चैप्टर 2 में, मतलब ये पैरेलल कहानी को दिखाएगा। और इसमें सलार, फिर इनके आने वाली मूवी बघीरा, और इसके अलावा हो सकता है कि जूनियर NTR की आने वाली पिक्चर भी कनेक्टेड हो। एंड आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके क्लिक बना दो। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज बीइंग ऑसम। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. Hey, bhai. One other. I can't avoid.